हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने उन टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। एलपी टेक्नीशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी और पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो फिर भी हार्ड है, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि 250 का 48% बताइए, 500 का 56% बताइए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है परसेंटेज से। तो अगर आपका परसेंटेज से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12000 का 33 सही 1/3% बताइए, तो आपको क्या करना है, 33 सही 1/3 को क्या लिखते हैं आप, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो आपको 33 सही 1/3 नहीं निकालना, 12000 का 1/3 निकालना है, सीधा सीधा 4000 आ जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12। तो ये क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि 33 से 1/3 को हम 1/3 भी लिखते हैं तो आप इसको इजीली विद इन सेकंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे 12 से ही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16000 का अगर पूछा जाता है कि 12 से 1/2% निकालिए, तो 16000 का 1/8 निकालिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, 8 × 16 यानी कि 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मैं एक PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको सारी की सारी परसेंटेज जो मेन मेन सी होती है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछ जाती है। एक तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है बहुत बार कि 33 से 1/3 और 12 से 1/2 भी कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, तो इन दोनों को तो आप ध्यान रखिएगा ही। बाकी की मैं जो है इंपॉर्टेंट इस तरीके की परसेंटेज वो आपकी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पर टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और जिसकी मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता रखी है क्या करना है। यहाँ पे बताया गया था कि ए बी का रेशो ये है, सी बी का रेशो ये है, तो ए बी सी तीनों का रेशो बताइए। तो जब भी ये वाली कंडीशन होती है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, एक तो सीधा सीधा दे दिया कि ए बी और सी बी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए बी का लिखा आपने, ठीक है, और जो सी बी लिखा है तो यहाँ पे सी बी नहीं लिखना है आपको, जो दो बार रिपीट होता है ना, जो दो बार रिपीट होता है उसको डायगोनली लिखना है। जैसे ए और बी, रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पे, बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बी और सी लिखना है, ना कि सी और बी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इनका रेशो भी अपोजिट कर देंगे हम, ए बी का तो सीधा सीधा 4-5 लिख देंगे, अब सी और बी का रेशो तो 3 और 8 था, अब बी और सी का क्या हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 लिखना है। तो इस तरीके से सीरीज को आपको जमाना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अगर आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि ए बी सी, ए बी का रेशो ये है और बी सी का रेशो ये होता बी सी का, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा इसको अप्लाई करके निकाल लेते। बट अगर ये इनकी जो सिक्वेंस है वो चेंज कर दी जाए, जैसे यहाँ पे सी और बी कर दिया गया, तो आपको सबसे पहले उसकी सीक्वेंस सही करनी है, बी और सी करनी है, ठीक है, ए बी बी सी, और फिर आपको उल्टा एन बनाना है, उल्टा एन, बस ये आपको बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे ए का आ जाएगा, फिर इनकी करेंगे तो बी का आ जाएगा, और इनकी करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 15, तो ये ए बी सी तीनों का रेशो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहीं पे अब आपको दे दिया जाए ये वाला 3 का, यानी कि ए बी का रेशो 1:3, बी सी का रेशो ये, और सी और डी का रेशो ये दे दिया जाए, और यहाँ पे आपसे पूछे कि ए बी सी डी तीनों का रेशो बताइए, तो तब आप क्या करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी ऊपर करा है ये तो आपके एग्जाम में आ चुका है, शायद अब आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो आपको ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ए बी का रेशो आपका ये है, ठीक है, बी सी का रेशो ये हो गया, और सी डी का रेशो आपने लिख लिया, मतलब कि सबसे पहले रेशो को लिख लीजिए, फिर आपको बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सबसे पहले इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे, ए का रेशो आ जाएगा, तो सभी की मल्टीप्लाई करके 45 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे इन लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले रेशो आ जाएगा डी का, बचे कौन, बी और सी बच गए हैं। बी सी का रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी का रेशो आएगा, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सी का रेशो आ जाएगा। इस चीज को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई की है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज तो नहीं है,
सबसे पहले आपको ये मल्टीप्लाई, ये वाली पहला और लास्ट वाला रेशो आ गया है, फिर आपको यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा इनकी तीनों की मल्टीप्लाई की 45 हो गया, फिर इन 9 की 5 में, 5 की 3 में, मतलब इन तीनों की करेंगे तो 135 हो जाएगा, फिर इन तीनों की करेंगे तो 189, और इन सभी की करेंगे तो 147। इन सभी को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15, 45 और 63 और 49, ये आपका चारों का रेशो आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जैसे एग्जाम में पूछा गया, बट उस टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आया था। राम ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होगा तो 14% का लाभ होगा। साइकिल का क्रय मूल्य था, यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, उसकी सीपी निकालनी है। तो आप एक चीज़ को देखिए, राम ने एक साइकिल 8% के लाभ पे बेची, 8% के प्रॉफिट पे बेची, ठीक है। फिर उसने यदि उसे 75 रुपये अधिक बेचा जाएगा, यानी कि बेचा गया होगा या बेचा जाएगा, तो वो 14% का लाभ होगा। तो ये 14% का लाभ कब होगा, जब इसको 75 में ज़्यादा में बेचा जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज़ देख सकते हैं कि 8 से 14% प्रॉफिट हो गया, और ये किसकी वजह से हुआ है, ये 75 रुपये बढ़ाने की वजह से हुआ, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाए। तो अगर ये आपको इतनी चीज़ पता चल गई है कि 75 रुपये अधिक बेचने पे उसे 14% का लाभ होता है, तो ये देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6% का। यानी कि हमारा 75 रुपये बढ़ाने पर 6% का प्रॉफिट बढ़ता है, 8% तो वो पहले भी लेट था ना, और बढ़ के कितना हो गया, 14%। किसकी वजह से हुआ है, 75 रुपये बढ़ाने की वजह से। तो कितना परसेंट बढ़ा, 6%। तो 6% के इक्वल आपकी 75% की अमाउंट है, तो 100% की, यानी कि हमें सीपी तो चाहिए निकालना है, सीपी हमारा 100% होता है, तो आप इसलिए निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखने का नजरिया कैसा है आपका, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप समझते हैं, और किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये जो कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। बस आप एक बार देखेंगे उसको, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 6% के इक्वल अगर आप 75 है, तो 100% के इक्वल क्या होगा, यहीं पे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 75 को 6 से भाग करिए, क्योंकि इसके इक्वल है, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 से कट करेंगे 50 टाइम, 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 से 75 जाएगा 25 टाइम, और 25 की और 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1250। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे x मान के, तो हो जाता है 6x, और यहाँ पे हो जाते हैं 7500। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 7500 डिवाइड बाई 6, तो 1250 आपका तब भी राइट आंसर होता। तो आशा करता हूँ कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन आपका कुछ पूछा गया था, बिल्कुल इसी तरीके का यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, देख लीजिए एक बार इसको भी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एवं सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और सी और ए 20 दिन में करते हैं, इतना चीज़ आप समझ गए, ये आपने लिख लिया, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 60, यानी कि जो ये 60 आया है, 60 आया है, ये आपका क्या आ गया, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया। जिस वर्क को ए और बी मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, वो वर्क कौन सा है, वो ये 60 वर्क है। तो यहाँ से हम ए और बी का एक दिन का वर्क निकाल सकते हैं, भाई ये 60 वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, एक दिन में कितना वर्क करते होंगे, 60 को 12 से भाग कर देंगे, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं। उसी तरीके से 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपका बी और सी का एक दिन का वर्क आ जाएगा कितना, 4 यूनिट। फिर 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से, यानी कि सी और ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा कितना, 3। यहाँ पे पूछा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ए का पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में, तो ए इस लाइन में है और ए इस लाइन में है, आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 5 और 3 दोनों को प्लस किया, कितना हुआ, 8, और बी और सी को माइनस कर देंगे, कितना हो गया, ये कितना है, 4, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 4। अब ये जो 4 आया है आपका, ए का वर्क आ गया है, ठीक है। अब ये डबल है, सारे के सारे दो दो बार यूज किए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इस 4 को 2 से भाग कर लेना है, बचेगा कितना, 2, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, तो 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये क्यों किया, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। भाई ए इस लाइन में है, अगर आपसे पूछा ना कि ए का रेशो,
ए का रेशो पूछा जाए कि ए कितने दिन में कर लेगा, ए इस लाइन में है और ए इस लाइन में है, दोनों को प्लस कर दीजिए और जो लाइन बचती है तीसरी उसको माइनस कर देते हैं। बट अगर ये दोनों दो दो मिलके वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जो निकल के आएगा ये ए का डबल वर्क आ गया, ठीक है। तो इसको हम ए सिंगल कर लेंगे टू से डिवाइड करके, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी एक काम कर लीजिए, आंसर तब भी सही आएगा। अगर यहाँ आप यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फोर से भी डिवाइड करेंगे तब भी आपका 30 डेज ही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितनी होगी। अब एक दूध है, मतलब दूध दे रखा है किसी भी एक बर्तन में, मान लीजिए 200 लीटर दे रखा है, ठीक है। अभी तो अकेला ये दूध है, ठीक है, जब इसमें 150 लीटर पानी मिल जाएगा, अब इसमें 150 लीटर पानी भी मिल जाएगा तो ये जो निकल के आएगा कितना, 350 हो जाएगा, ठीक है। ये 350 क्या है, ये मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि अब इस मिक्सचर में पानी की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो भाई परसेंटेज अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है ना तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लेते। परसेंटेज किस पे निकलती है, टोटल अमाउंट पे, ठीक है। तो 350 आपका हो जाएगा नीचे, लीटर पानी कितना है 150 और इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा ये, इसको यहाँ ये मैंने यहाँ पे किया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 15 = 5 × 7 = 35। तो आपका कितना आ जाएगा 300/7, तो 42 × 6/7 = 42, 42 सही, 6/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो 150 लीटर जो है ये पानी है, ठीक है, मिक्सचर में, और मिक्सचर कितना हो जाएगा 350, तो परसेंटेज आप इजीली निकाल ही सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इजी लेवल के ही है, ठीक है, बट एग्जाम में बैठने के बाद में सारे क्वेश्चन हार्ड लगने लगते हैं, तो बच्चे इसलिए बोलते हैं बाहर आके कि टफ पेपर था, ये था वो था। बट जो अभी तक मेरे को क्वेश्चन मिले हैं, या तो ऐसा हो सकता है भाई कि जो बच्चे क्वेश्चन बताते हैं वो इजी बताते हो, हार्ड उनके याद ना रहते हो, बट जो अभी तक मुझे क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना मुश्किल है, कोई बच्चा ही बताएगा, वो भी उसके भी कितना याद रहता है वो बताएगा, एग्जैक्ट उसके फिगर याद नहीं रहती है। तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, ठीक है, बट बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्वेश्चन और पेपर आपका बहुत ईजी आएगा, आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका 3 वर्ष और 5 वर्ष का ब्याज है उनके बीच का अंतर दे दिया है 400 रुपये, ठीक है, बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ईयर का अंतर है, 2 ईयर का, ठीक है, 2 ईयर में 400 आपका इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है इतना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, टाइम मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछी है कि आपका वह धन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, P × R × T × 100 वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कहीं पे भी आपको अगर ये मेंशन नहीं किया जाता कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या चक्रवर्ती ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको उसको सिंपल इंटरेस्ट का ही मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चीज़ें दे दी गई है, यहाँ पे दिया कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, यानी कि 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है 2 साल का, यानी कि वो 400 रुपये है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है और आपको 2 ईयर मिल गए हैं, यानी कि और प्रिंसिपल अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, और रेट भी आपको 4% दे रखा है, तो 400 प्रिंसिपल यानी कि आपको मूलधन निकालना है, 4% यानी कि आर रेट आपका ये है, और इनटू आपका ये 2 ईयर की बात की गई है, क्योंकि 2 साल का आपको इंटरेस्ट है 400, तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे, बस इसको सोल्व करिएगा तो इजली आपका आंसर आ जाएगा। ये 5, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और इस साइड में 2P, तो पी आ जाएगा आपका, ये जब 10,000 को 2 से भाग करेंगे तो 5,000, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 आ जाएगी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए आपका डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम में, और जो अभी तक मुझे पता चला है, कहीं शिफ्ट में पता चला है कि डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि आपकी MRP
उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। हमें यहाँ सीधा सीधा मानना है कि सीपी कितनी होगी आपकी 100%, उस पर 20% बढ़ा के रखा गया है एमआरपी, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी 120%, जब इसका हम 20% निकालेंगे तो 20 आएगा तो प्लस करके रखेंगे तो एमआरपी आपकी 120% हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि उसमें 25% की अगर छूट पे बेचा जाए तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, तो 120 पे हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो 120 का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। सीधा सीधा आप यहाँ पे 25/100 करके निकालेंगे, 2500 का 100 जाएगा, 4 से 1 जाएगा। अभी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कई बार मैं भी वीडियो को रोक चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 30, ठीक है, ये 30 आ गया। तो आपको क्या करना है, इस एमआरपी में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 90 आ जाएगा, और आपका सीपी कितना है वो 100 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 10 का, यानी कि 10% की हानि हुई है। हानि क्यों हुई है इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, सेलिंग प्राइस जब कम हो जाएगी सीपी से, यानी कि खरीदा तो उसने इतने में है और बेचा इतने में है, तो हानि होगी ऑब्वियसली बात है, तो सीधा सीधा 10% का हानि हो रही है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका आयु से हर एक शिफ्ट में आ रहा है, एज के भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो भाई एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का था, अब बिल्कुल ये रमेश और सतीश तो नहीं था, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, बट बिल्कुल यही था। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, थोड़ा सा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया है बस आपको इसको यूज करना है। यहाँ पे बोला गया कि कितने वर्ष पहले इनकी अनुपात ये था, इनकी एज का अनुपात ये था, तो आपको क्या करना है, 40 और 60 की वर्तमान में एज है इनकी, तो हम इसमें से एक्स एक्स माइनस कर देंगे, यानी कि कुछ ईयर हमने माइनस किया, ये नहीं पता कितने ईयर पहले, तो ये माइनस करते हमारा ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 के ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 200 और 5x, और इधर करेंगे तो 180 और 3x हो जाएगा, ठीक है। x वालों को एक साइड में ले आइए, तो कितना बचेगा आपका 3x है, 5x है तो 2x हो जाएगा, और ये एक साइड में जाएगा तो आपका 20 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 10 साल पहले उनकी एज का यानी कि आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 3:5 था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी यहाँ पे बोला जाता है कि कितने ईयर बाद उनकी एज का रेशियो ये बन जाएगा, वर्तमान में एज उनकी 40 और 60 है, ठीक है, और यहाँ पे यही चीज़ दे दी जाती है कि कितने ईयर बाद इनकी एज का रेशियो ये या फिर कोई और रेशियो यहाँ पे लिख दिया जाए, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे एक्स में प्लस कर लेना है कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसा चीज़ दे दी जाए कि यहाँ पे एज नहीं कुछ और दे दिया जाए, और उसमें बोला जाए जैसे दे दिया जाए कि कोई मिक्सचर है और मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर है, ठीक है, और मिल्क में आपको 10 लीटर बढ़ाना है, और 10 लीटर बढ़ाने के बाद में कोई नया रेशो बन जाएगा, तो आपको मिल्क और वाटर जो लिखा है सिर्फ मिल्क में 10 लीटर बढ़ाना है, वाटर को वैसे रखना है और रेशो ये बढ़ेगा, तो ये वाला रेशो सामने लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक और देख लेते हैं एज का क्वेश्चन। हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है, यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, हेमा और श्याम की आयु आपको 3 और 5 लिख दी गई है, इनका डिफरेंस कितना है 2 का है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है, यहाँ पे कम कितना बताया गया है 8 वर्ष, यानी कि रेशो में तो केवल 2 वर्ष का ही डिफरेंस दिया गया है, बट एक्चुअल में कितना है 8 ईयर का डिफरेंस है इनकी एज में, तो 2 के इक्वल 8 है तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 के इक्वल 4 है तो किसकी एज पूछी गई है, तो यहाँ पे पूछा गया आयु शाम की आयु 8 वर्ष कम है तो बताओ शाम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो शाम की आयु का रेशो अभी 5 है तो 1 के इक्वल 4 है तो 5 के इक्वल क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 कब की है, ये अभी की एज आ गई है, पूछा 4 साल बाद क्या होगी, तो इसमें 4 और प्लस कर देंगे 24 ईयर का हो जाएगा ये शाम 4 वर्ष बाद। अगर पूछा जाता कि शाम की आयु क्या है तो 20 हो जाती, अभी पूछा 4 वर्ष बाद क्या होगी तो 4 और प्लस कर देंगे 24 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको ज़रूर, और जो भी आपका डाउट है वो जो भी देखे, एक तो डाउट होते हैं वो तो पूछ लिया करें, बट जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, और जितना आपका पेपर नज़दीक आ रहा है फिर
उतनी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आप उसका रेस्पॉन्स बहुत गंदा दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आप वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर ये जो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ इनका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया करें। और कई बच्चे हमें बता रहे हैं कि मैंने आपकी सारी मैथ की वीडियो देखी, उसमें सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। तो आप भी मैथ की वीडियो और रीजनिंग की वीडियो तो जरूर देख लें, और अगर आप टेस्ट लगाते हैं ऑनलाइन तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है, तो ऑनलाइन टेस्ट को भी जरूर लगा लिया करें 11 बजे वाले को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।